ओके, सो नाउ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, ठीक है, खाली बेस प्राइस नहीं इंक्लूड होता, अदर चार्जेस भी इंक्लूड होगा. आई हैव सप्लाइड यू गुड्स एट 2000 विथ अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, देयर आफ्टर इंटरेस्ट 12% इज चार्जेबल, द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई. तो 1 मंथ आफ्टर द फ्री क्रेडिट पीरियड 20 रुपया का इंटरेस्ट लगेगा. एक 2 महीने का टोटल डिले हुआ है, उसमें 1 महीना तो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड था, तो वो 20 रुपये का जो इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया है वो अलग से इंक्लूड हो जाएगा. तो 2020 पे हम लोगों को, राइट, जो मेन सप्लाई है उसका जो रेट ऑफ जीएसटी वही लगेगा. अभी जैसे नोटबुक में सप्लाई कर रहा हूं 50 रुपये पे, राइट, कोई कंपनी है जो अपना सीएसआर फंड से 30 रुपीज दे रहा है सेलर को, जिसे कि मैं उसको 20 रुपये पे दूंगा स्कूल को, सो दैट द स्टूडेंट्स पे ओनली 20 पर नोटबुक, ठीक है. तो मेरे को 20 रुपया रिसिपियंट से मिल रहा है, 30 रुपीज मेरे को कोई कंपनी दे रहा है, ठीक है, मेरे को जीएसटी 50 पे लेना, क्योंकि सब्सिडी मेरे को जो मिला है वो नॉन गवर्नमेंट से मिला है, कोई कंपनी से मिला है. अगर यही सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देता तो 20 रुपये पे जीएसटी लगता. हाँ ऑब्वियसली, मैं तो बोला कोई थर्ड पार्टी सब्सिडी दे रहा है. ठीक है, जीएसटी इज लेवेबल आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट. जो डिस्काउंट इनवॉइस में शो किया गया है वही, मतलब डिस्काउंट शोन एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई. तो जीएसटी इज चार्ज ऑन द ग्रॉस वैल्यू लेस डिस्काउंट, जो नेट प्रोसीड्स होगा उस पे. नाउ पोस्ट सप्लाई भी बहुत सारा डिस्काउंट होता है, राइट, जैसे कि कैश डिस्काउंट. ठीक है, कई बार क्या होता है ना, 2/10 नेट 30 ऐसा रहता है. तो 2/10 नेट 30 का मतलब क्या है, द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज, आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट इफ यू पे विद इन 10 डेज. तो ये क्या है, ये मैंने पहले ही तुमको बता दिया, आई हैव टोल्ड यू अर्ली एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई, बट आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू पे मी विद इन 10 डेज और यू विल पे मी आफ्टर 30 डेज. आई कैन नॉट शो दिस इन इनवॉइस, हु नोज दैट यू विल बी एबल टू पे मी इन 10 डेज और नॉट. तो क्लियरली मेंशनड है, क्लियरली मेंशनड है, सप्लायर कैन नॉट रिकॉर्ड सच डिस्काउंट एज इट डज नॉट नो वेदर द बायर विल पे द अमाउंट इन स्टिपुलेटेड टाइम और नाइट. तुमको 3 महीना में 1 लाख क्वांटिटी खरीदना है, मैं तुमको वॉल्यूम डिस्काउंट दूंगा. अभी तुमने 20,000 खरीदा है 3 महीना में, आई डोंट नो वेदर यू विल कंप्लीट दिस 1 लाख और नॉट. जब 1 लाख पूरा कंप्लीट होगा तभी ना मेरे को मालूम पड़ेगा.
राइट तो पोस्ट सप्लाई जो भी डिस्काउंट है उसमें क्या कंडीशन है, शुरू में मेरे को ग्रॉस वैल्यू पे लग जाएगा, हाँ अभी क्या बोल रहा है, डिस्काउंट इन केस ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज। ये पूरा प्रोसेस बता रहा है, हमको डिस्काउंट के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा, बाद में क्या होता है, आई इश्यू क्रेडिट नोट कि भैया इतना रुपए तुम्हारा माफ हो गया, यू पे मी द नेट अमाउंट। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दैट इज द डिस्काउंट दैट आर गिवेन After supply is made, are allowed as a deduction from the if the following two conditions are satisfied. Discount in terms of agreement hai. There was an agreement between us that post supply I am going to give you this discount. ठीक है? And it can be worked out invoice wise allocation. प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट, 100 प्लस सीजीएसटी 9 एसजीएसटी 9, 118 का बिल हुआ तो तुम 18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, यू विल टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 18 रुपीज। हाँ इफ आई गिव यू 10 रुपीज का क्रेडिट नोट एज डिस्काउंट तो 10 रुपीज का 18% कितना हुआ 1.8, तो इसका मतलब यू विल टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 16.2। वो रिवर्स करना पड़ेगा, अगर तुम ले चुका है तो तुमको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना है, राइट। प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप रिवर्स करेंगे रिवर्स द प्रोपोर्शनेट क्रेडिट सब कॉन्सिक्वेंट टू विच द सप्लायर्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड बाई द सेम अमाउंट। तुम वहां से इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करो तो मेरा भी यहां पे आउटपुट टैक्स पेबल कम हो जाएगा, अदरवाइज हमको 18 ही देना पड़ेगा। राइट तो देख लो पूरा चार्ट बना के समझाया हुआ है। ये तो कॉमन है, ये हम लोग को मालूम है ये दोनों चीज, राइट शोन इन द इनवॉइस डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेट अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, तुमको भी नेट अमाउंट का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इनवॉइस में नहीं है, नॉट शोन, डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड। अरे भैया तुम 100 का बिल कर रहे हो और इसमें तुम नहीं लिख रहे हो लेस 10, यू शुड हैव रिटन लेस 10, नहीं लिखा है ना 100 पे लगेगा, खत्म बात। और आफ्टर सप्लाई है तो कंडीशन वन, कंडीशन टू, थ्री, दो कंडीशन है एग्रीमेंट में होना चाहिए, इनवॉइस वाइज दिस टू इज वन, हम अलग अलग लिख दिया, और इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट रिवर्स किया है। स्पेशल डिस्काउंट, स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर ऑफर्स, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे आपका डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। तुम लोग को मालूम होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक था ईओक्यू, उसमें आपने देखा था जैसे जैसे हम लोग का बाइंग क्वांटिटी का वॉल्यूम बढ़ रहा था हम लोगों को ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा था सप्लायर से,
द रेट ऑफ डिस्काउंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन परचेज वॉल्यूम। मॉल्स वगैरह में भी देखते हैं आप लोग, अप टू 5,000 10%, अप टू 10,000 20%। तो इस टाइप का ना आपका इनवॉइस में मेंशन्ड होता है बेटा, जब आप इनवॉइस करेंगे तो आपको मालूम रहेगा परचेज वॉल्यूम क्या है, उस हिसाब से आपका डिस्काउंट वहीं पे लेस हो जाता है। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली जो नेट अमाउंट होगा उस पर जीएसटी लगेगा। ये क्या है, अगर आपका वॉल्यूम 10,000 क्वांटिटी को क्रॉस किया तो गेट एडिशनल 1%। तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हो गया, बट इनवॉइस वाइज आपको एलोकेट करना पड़ेगा, लिंक टू द इनवॉइस बताया ना, टू कंडीशंस। देखो पैरामीटर्स लेट डाउन, आईटीसी रिवर्स किया है और इनवॉइस वाइज सेकेंडरी डिस्काउंट। तुमको हमने क्रेडिट नोट दे दिया है और एग्रीमेंट में भी कुछ लिखा नहीं है, सेकेंडरी डिस्काउंट होता है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के बाहर। हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम भैया? हमने तुमको बिल किया 10 रुपए पे, फिर हमारा बार्गेनिंग हुआ, हमने आपको 1 रुपए का क्रेडिट नोट दे दिया, बिल को 9 में रिवाइज कर दिया, हो सकता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? तो बोला आपको 10 पे ही देना होगा, सेकेंडरी डिस्काउंट कभी भी वैल्यू से रिड्यूस नहीं होता है, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा नहीं था एट द टाइम और बिफोर सप्लाई। उसमें तो बोला है ना इट शुड एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल दिया है, यू कैन रीड इट, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एग्रीमेंट में मेंशन्ड है, देख लो कि 1,000 के ऊपर होगा तो 5% मिलेगा। तो ये तो दिवाली मंथ एंड के बाद ही मालूम पड़ेगा ना, इजीली इट कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज। और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करेगा तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउटपुट टैक्स पेबल कम हो जाएगा। ये वही समझा रहा है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का एग्जांपल दिया जो मैंने तुमको बोला था। अभी यहां पे क्या है, नो एग्रीमेंट, पोस्ट सप्लाई हमारा बार्गेनिंग हुआ, देन यू गेव मी डिस्काउंट ऑफ 2%। तो जीएसटी पूरा 50,000 पे लगेगा। यू पे मी नेट,
बट उसका जीएसटी रिवर्स नहीं होगा। कई बार क्या होता है, मैं तुमको टर्नओवर डिस्काउंट दे देता हूँ तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के बाद, तो भी तो अग्रीमेंट में मेंशन नहीं था, एज दिस डिस्काउंट्स वे आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो इनवॉइस वैल्यू निकालते वक्त माइनस नहीं होगा। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू 2 मिनट्स टाइम टू सॉल्व दिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स का, प्लीज काइंडली स्टार्ट।
बीडब्ल्यू मैन्युफैक्चर्स टोबैको प्रोडक्ट्स, तो इसमें स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, ठीक है, दिस इज सबसेक्शन टू क्लॉज ए, दिस इज इंसिडेंटल चार्जेस, राइट, हाँ, पैकेजिंग ऑल्सो सेम, फ्रेट भी इंक्लूड किया है हमने, और 2% डिस्काउंट होगा 60,000 का, हाँ बेस प्राइस पे ही होता है डिस्काउंट हमेशा। अब हम क्या है? हम तुमको एक्साइज ड्यूटी में डिस्काउंट किस बात का दे भैया? अरे 2% डिस्काउंट ऑब्वियसली ये इनवॉइस वैल्यू पे होगा, एक्स एक्स इंसिडेंटल, इसका मतलब आई एम गिविंग यू डिस्काउंट ऑन पैकेजिंग एज वेल, इस पे लगेगा जीएसटी, एकदम सिंपल था। देखो दिस इज क्लॉज टू सेक्शन 15 सबसेक्शन सेक्शन 15 सबसेक्शन क्लॉज ए, इंसिडेंटल वाला शायद क्लॉज 3 था, क्लॉज सी, ठीक है, आई एम ऑल्सो अरेंजिंग फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन, तो दो टाइप का हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस, तो मेन सप्लाई इज ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, ठीक है, और डिस्काउंट तो तुम्हारा हो गया सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी मालूम था, इनवॉइस में रिकॉर्डेड ही है, पोस्ट सप्लाई नहीं है ये, सो यू कैन गिव दिस एक्सप्लेनेशंस, खाली इतना सा करने से नहीं होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन टू स्टार्ट करो, डेढ़
एसए लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्कुट, द प्राइस ऑफ 200 ग्राम पैक ऑफ बिस्कुट सोल्ड बाय एसए इज 30. इट हैज रिसीव सब्सिडी ऑफ 5 पर पैक ऑफ बिस्कुट सोल्ड फ्रॉम एनएम एज अ पार्ट ऑफ एनएम सीएसआर एक्टिविटी. ठीक है, माइनस होगा 25 हो गया, 30 माइनस 5. एसए लिमिटेड सप्लाइड 1000 पैक्स ऑफ बिस्कुट एट द रेट 25 पैक टू इट्स वन ऑफ इट्स होलसेलर नेमली मा प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड. लोडिंग चार्जेस ऑफ 1200 हैज बीन चार्ज सेपरेटली फ्रॉम मा प्राइवेट लिमिटेड. मा प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड दस पेड 5000 एज इंटरेस्ट. ठीक है, नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज पेड ऑन द इंटरेस्ट बाय मा इन द नेक्स्ट टैक्स पीरियड. ठीक है, अलग से कुछ चार्ज नहीं हुआ है. अज्यूम वैल्यू ऑफ टैक्स, वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, राइट? क्या चीज? हाँ, सेपरेट है ना, सेपरेटली आई एम चार्जिंग इन द इनवॉइस. ठीक है, तो सबसे पहला बात है 30 रुपीज है, सो आई हैव बिल्ड यू एट 25, बट जीएसटी मेरे को 30 पे देना है, लिखा है ना. अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देता तो वो 25 पे लगेगा. ठीक है, तो अगर कोई थर्ड पार्टी से कोई हमको अगर सब्सिडी मिल रहा है तो दैट विल बी जस्ट वो जो सेलर नोटबुक वाला जो एग्जांपल दिया. तो नेट बिल्ड अमाउंट इज दिस, सब्सिडी विल बी एडेड, लोडिंग आई हैव चार्ज सेपरेटली इंसिडेंटल सेक्शन 15(2)(c). राइट, नाउ इंटरेस्ट में अलग से जीएसटी कुछ दिखाया हुआ नहीं है नेक्स्ट टैक्स पीरियड में, सो माना जाएगा दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. यस और नो, अपने को वैल्यू ऑफ सप्लाई जो निकालना दैट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी निकालना है. तो 5000 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो उस पर जीएसटी हटाया गया है. ये सब्सिडी वाला हो गया 15(2)(e). बता रहे हैं तो दिखा रहे हैं तो इंटरेस्ट पे अलग से जीएसटी नहीं पे हुआ है, सामने वाला 5000 कंसोलिडेटेड दिया हमने को, राइट? सामने वाला 5000 मेरे को कंसोलिडेटेड दिया है, तो अपने को क्या करना है, 5000 × 100/118. This was because this is inclusive of GST, na? No separate amount of GST. Financial services में भी तो GST लगेगा. I have given you 5000. अब तुम समझो. So, if customer doesn't pay GST, तो consideration has to be inclusive of GST. हाँ, ऑब्वियसली. सो दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई. हाँ, ठीक है. नाउ दिस, जिसका वैल्यू अपने डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशंस वाला पार्ट, ठीक है. तो यहां तक पूरा अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा थर्सडे दिन.